सो ये देख लीजिए गुड़ और पानी डालने के बाद इसमें कितना अच्छा से खोला गया है। तो ये बस देख लीजिए अब जस्ट हो ही गया है। अब इसमें थोड़ा सा जीरा का भुना हुआ पाउडर डाल देंगे और ये हो जाएगा। आप चाहे तो इसमें जीरा और सौंफ और मेथी तीनों को हल्का सा फ्राई करके, और मतलब फ्राई नहीं, थोड़ा सा भून के सूखे वाले इसमें, उसके बाद फिर उसे लोड़ी पट्टे में पीस के फिर इसमें भी डाल सकते हैं। तो मैंने वो नहीं किया, बस थोड़ा सा जीरा भुना हुआ पाउडर इसमें डाल दी हूँ। ये देख लीजिए ये बन गया है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल दीप्सा ऑन ट्यूब। आज जो है अक्षय तृतीया है और डोरा का निस्तार भी है। तो डोरा के निस्तार के दिन जो है गुड़, आम और गुड़ को देकर गुड़म्बा बनता है। तो मैं कैसे बनाती हूँ वो आप लोगों को दिखाती हूँ, और अक्षय तृतीया की आप लोगों को बहुत सारी शुभकामनाएं। तो चलिए मैं गुड़म्बा बनाती हूँ आप लोगों को। सिंपल सी रेसिपी है जो आप अपने घर में बना सकते हैं आराम से, और इसे आप रोटी के साथ और पराठे के साथ खाएंगे तो बेस्ट लगेगा। इसे तो आप चावल दाल के साथ भी खा सकते हैं, बट रोटी पराठा के साथ या पूरी के साथ ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। तो आप लोग भी जरूर अपने घरों में इसे बनाएं और मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर जरूर बताएं कि ये कैसा लगा। मैंने जो है फ्राई पैन चढ़ा लिया है। अब मैं इसमें थोड़ा सा तेल और पंचफोरन डालने जा रही हूँ, और आम को इस तरह से मैंने कट किया है ये देख लीजिए। और फिर मैं पहले अब इसमें तेल डाल देती हूँ। इसमें तेल डाल दिए हैं तो अब इसमें जो है पंचफोरन डाल देते हैं। ये देख लीजिए ये चटक जाएगा, फिर इसमें आम डाल देंगे। ये जो है पंचफोरन चटक गया है अच्छे से, हम इसमें आम डाल देते हैं। और आम को थोड़ा सा फ्राई करेंगे नमक हल्दी डालकर। तो ये देख लीजिए आम जो है कितने अच्छे से फ्राई हो रहा है। मैं इसमें थोड़ा सा नमक हल्दी डाल देती हूँ। तो ये जो है थोड़ा सा हल्दी डालेंगे इसमें, ज़्यादा नहीं। तो ये दो चुटकी लगभग हल्दी पाउडर, आधा चम्मच लगभग नमक पाउडर, सॉरी नमक। तो अब इसे जो है मिला देते हैं ये देख लीजिए, और इसे फ्राई करने के बाद थोड़ा सा पानी डाल देंगे। ये देख लीजिए ये कितना अच्छे से इतना जल्दी ही गल गया है। तो अब मैं इसमें जो है थोड़ा सा पानी डाल के फिर इसमें गुड़ डालूं। इसमें डाल देते हैं थोड़ा सा पानी ये देख लीजिए, और इसमें अब गुड़ डाल देते हैं। आप जो है आम के अकॉर्डिंग जो है गुड़ को भी डालें। तो मैंने एक आम लिया था, तो ये थोड़ा खट्टा वाला आम है, तो एक उसका ढेला गुड़ का डाल रही हूँ इसमें। तो मैंने थोड़ा सा चूर लिया है ऐसे, अब इसे डाल देते हैं अच्छे से मिला देते हैं ये देख लीजिए। तो ये देख लीजिए गुड़ और पानी डालने के बाद इसमें कितना अच्छा से खोला गया है। तो ये बस देख लीजिए अब जस्ट हो ही गया है। अब इसमें थोड़ा सा जीरा का भुना हुआ पाउडर डाल देंगे और ये हो जाएगा। आप चाहे तो इसमें जीरा और सौंफ और मेथी तीनों को हल्का सा फ्राई करके, और मतलब फ्राई नहीं, थोड़ा सा भून के सूखे वाले इसमें, उसके बाद फिर उसे लोड़ी पट्टे में पीस के फिर इसमें भी डाल सकते हैं। तो मैंने वो नहीं किया, बस थोड़ा सा जीरा भुना हुआ पाउडर इसमें डाल रही हूँ। ये देख लीजिए ये बन गया है पूरा। इससे ज़्यादा इसे नहीं जलाना है, मतलब इसका थोड़ा थोड़ा रस रहने देना है। ये देख लीजिए, तो मैं इसमें थोड़ा सा जीरा का भुना हुआ पाउडर डाल रही हूँ ये देख लीजिए। तो आप लोगों को आज का रेसिपी कैसा लगा जो मैंने आम का गुड़म्बा बनाया है, मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो जल्दी मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।